नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां प्रतापगढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। आपको बता दें, प्रतापगढ़ पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीआईएससी मैदान में किया जनसभा को संबोधित। इस दौरान उन्होंने जनजाति गणना की मांग। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गुणगान किया। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। बता दें कि प्रतापगढ़ शहर के जीआईएससी मैदान में आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्माण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का लाभदायक किया। जुझारू महिला कार्यकर्ता बड़ा सुपुर चांदी का मुकुट भेंट किया। अपने संबोधन के दौरान अनुप्रिया पटेल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का गुणगान किया, साथ ही जनजाति जनगणना की मांग भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने पल्लवी पटेल द्वारा दिए गए बयान पर चुप्पी साध ली, जबकि 2024 के चुनाव में स्वयं को प्रतापगढ़ जिले से चुनाव लड़ने को पार्टी गठबंधन नेतृत्व और सीट बंटवारे के बाद निर्णय लेने की बात कही। हालांकि उन्होंने मंच से 2024 चुनाव में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस संकल्प सभा के कार्यक्रम में सर्वप्रथम पढ़ करके मेरे लिए है, मैं उन सबको सबसे पहले उनके चरणों में शीश झुका करके हृदय से प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित पार्टी के